अयोध्या के राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरें आई सामने। नागर शैली में बने मंदिर के गर्भगृह की गोलाकार छत में बेहद सुंदर अलंकरण। गोलाकार छत के ठीक नीचे प्रभु श्री राम के नए विग्रह के लिए बना चबूतरा। चबूतरे के सबसे पीछे वाले हिस्से में भगवान राम के बाल रूप के होंगे दर्शन। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के सनातन संस्कृति का होगा एहसास। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित गज, सिंह और गरुड़ जी की मूर्ति। गर्भगृह में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को नृत्य मंडप के होंगे दर्शन। 8 स्तंभों पर भगवान शिव की नृत्य मुद्राओं की मनोहारी चित्रों को उकेरा गया। हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी है मूर्तियां। राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं पत्थरों का राम मंदिर में हुआ इस्तेमाल। कैथल में बने श्री राम मंदिर मॉडल की अयोध्या में डिमांड। एमडीएफ वुडन से तैयार राम मंदिर के मॉडल बेहद आकर्षक। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि कलश की स्थापना। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की दिशा में हुआ बड़ा काम। पार्कों में लगाए गए पत्तियों के आकार वाले सोलर लाइट। पुणे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिव गर्जना की तैयारी। 111 कलाकार राम मंदिर में बजाएंगे ढोल ताशे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से रामदला। मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास के पास 14 जनवरी को जाएगा इत्र। चांदी का शंख भी भेजने का प्लान। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सैलानियों में उत्साह। हर दिन बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। लोग सरयू के कर रहे दर्शन। मंगलवार को सीएम योगी जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संतों और पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में नहीं होगी बिजली कटौती। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग को दिए निर्देश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसाद लड्डू का हुआ जीआई आवेदन। जल्द ही हनुमानगढ़ी लड्डू को मिल जाएगा जीआई टैग। हलवाई कल्याण समिति अयोध्या के नाम से हुआ है आवेदन। पुनौरा धाम के महंत ने किया ऐलान। सीतामढ़ी से 1151 भार मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जाएगी संतों की टोली। रामलला के चरणों की शोभा बढ़ाएगी श्रीलंका में तैयार हुई चांदी की चरण पादुका। अशोक वाटिका से पहुंची अंबिकापुर चरण पादुका। श्री राम राज्य युवा यात्रा के तहत लोग कर रहे चरण पादुका के दर्शन। 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी यात्रा। आदिवासी समूह तक प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देना इस यात्रा का लक्ष्य। पौराणिक मान्यता के मुताबिक अयोध्या से श्रीलंका तक वनवास के दौरान श्री राम की वनवासियों ने की थी मदद। एटा के जलेसर में तैयार राम मंदिर के लिए 2400 किलो वजनी घंटा। धूमधाम से घंटे के साथ शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। श्री राम और हनुमान की तस्वीरों वाले अंगवस्त्रों से पटे वाराणसी के बाजार। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही जमकर खरीदारी। कपड़ा कारोबारियों को हो रहा मुनाफा। प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएगी वडोदरा में तैयार हुई 108 फुट लंबी अगरबत्ती। भरतपुर से यूपी में प्रवेश के दौरान दिव्य अगरबत्ती का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के मॉडल की बड़ी मांग। 500 रुपए से लेकर 5000 तक के राम मंदिर के मॉडल अयोध्या के बाजारों में उपलब्ध। कैलिफोर्निया के राम भक्तों ने अयोध्या को भेंट किया एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगर निगम की अनूठी पहल। स्वच्छ अयोध्या के लिए प्लॉग रन का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित किया जाएगा 7 ध्वज दंड। शास्त्रों के मुताबिक ध्वज दंड स्थापित होने के बाद रामलला की मूर्ति में आएंगे प्राण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यूपी पुलिस ने कसी कमर। जल पुलिस ने सरयू नदी बढ़ाई गश्त। रामध्वज से पटे अयोध्या के बाजार। धार्मिक आकृतियों ने अयोध्या की दुकानों की बढ़ाई शोभा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में उत्साह। कानपुर गीता प्रेस में 8 दिनों में बिकी रामचरितमानस की 6000 से ज्यादा प्रतियां। जयपुर में रामदला की बाल स्वरूप वाली 3 मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 40 सालों से रखी बेशकीमती संगमरमर के पत्थरों से मूर्ति हो रही तैयार। अयोध्या के हर धर्म पथ और राम पथ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा। रामदला के सुगम दर्शन के लिए बनाए जाएंगे कॉरिडोर। डीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी।
वाइब्रेंट समिट के लिए सजी गुजरात की राजधानी, प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को करेंगे समिट का उद्घाटन। गांधीनगर में लगेगा विदेशी मेहमानों का रेला, वाइब्रेंट गुजरात की थीम पर रंगा नजर आया गांधीनगर। दुल्हन की तरह सजा गांधीनगर, महात्मा मंदिर, दांडी कुटीर और गिफ्ट सिटी समेत पूरे गांधीनगर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ड्रोन कैमरे में कैद हुई पूरे शहर की रात की खूबसूरत तस्वीरें, ऐतिहासिक इमारतों की दिखी भव्यता। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से नहाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एरियल व्यू से दिखा अद्भुत नजारा। यूपी के धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रहा सैलानियों का रुझान, बड़ी तादाद में प्रयागराज, काशी, अयोध्या का सैलानी कर रहे रुख। तीनों धार्मिक स्थलों पर बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक करीब 32 करोड़ पर्यटक पहुंचे उत्तर प्रदेश। यूपी के आगरा में ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, हर रोज आ रहे करीब 40,000 सैलानी। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण पर्यटक राज्य गोवा बना सैलानियों की पसंद, भारतीयों के साथ ही कजाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस जैसे देशों के पर्यटक को भी कर रहा आकर्षित। अमृतसर में लोहड़ी के दिन पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मांझे से बचाव के लिए अभियान की शुरुआत, एनजीओ के सदस्य दोपहिया वाहन चालकों को कर रहे जागरूक। राजौरी में दूरदराज इलाकों के बेरोजगार युवा बने आत्मनिर्भर, ट्रॉट मछली पालन का शुरू किया व्यवसाय। रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी, स्थानीय महिलाओं को दिया जा रहा वैदिक विवाह संपन्न कराने का प्रशिक्षण। मंदिर को योग केंद्र के रूप में भी विकसित करने के लिए हो रहे प्रयास, अगर इस मंदिर में भी विवाह संपन्न हुए तो ये जिले का दूसरा वैदिक विवाह स्थल बन जाएगा। श्रीलंका में पोंगल उत्सव की धूम, पोंगल को लेकर स्थानीय तमिल लोगों में दिखा भारी जोश। आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ घर बनाया। दिल्ली में महीने का सबसे ठंडा दिन आज, 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के भी आसार। अयोध्या में कपकपाती ठंड, सरयू किनारे छाया कोहरा। बिहार की राजधानी पटना में भी कोहरे और ठंड का असर, लोगों की बढ़ी परेशानी। ठंड और कोहरे की चपेट में राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। फतेहपुर शेखावटी की शीतलहर से पशु पक्षी भी परेशान, गौशालाओं की गायों के लिए बन रहे घी सहित अन्य धान के 11,000 किलो लड्डू। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से आम जनजीवन पर पड़ा असर, घने कोहरे के कारण लगातार घट रहा है पारा। श्रीनगर में जमा देने वाली शीतलहर जारी, तापमान गिरकर 0 से 4.3 डिग्री नीचे पहुंचा। राजस्थान के करौली में दो दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर ठंड ने दिखाए तीखे तेवर, सर्दी से बचने के लिए घरों के भीतर ही रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पड़ रही कड़ाके की ठंड, बढ़ती सर्दी की वजह से कारोबार पर भी पड़ा असर। लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, लोगों को बाहर निकलने में हो रही परेशानी, न्यूनतम तापमान -20 डिग्री तक पहुंचा, नदी का पानी हुआ बर्फ में तब्दील। एमपी के जबलपुर में कोहरे का कहर, शीतलहर की चपेट में शहर, कोहरे के कारण घटी विजिबिलिटी। यूपी के प्रयागराज में जारी है सर्दी का सितम, ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन, कोहरे की वजह से धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटक निराश, कारोबारियों पर भी पड़ रहा असर। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में बारिश का कहर, कई रिहायशी इलाकों के घरों में घुसा बारिश का पानी। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर आया मालदीव, माले में भारतीय उच्चायोग से कहा पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मालदीव का नजरिया नहीं, रियम शिवना समेत 3 को सस्पेंड करने का दिया हवाला। मालदीव के मंत्रियों के व्यर्थ बयान पर अमिताभ बच्चन बोले, हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर मत डालिए आंच।
सोशल मीडिया पर मालदीव बायकॉट ट्रेंड चलने के बाद कश्मीर में दिखा असर, अचानक कश्मीर आने वाले पर्यटकों में भारी बढ़ोतरी। बांग्लादेश में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बताया महान मित्र, कहा हमारे बीच अद्भुत संबंध, पीएम मोदी ने फोन कर शेख हसीना को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद दुनिया भर में सर्च किया जा रहा लक्षद्वीप, टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग का दौर जारी, मंगलवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस के उद्धव गुट और शरद पवार गुट से होगी बातचीत, दिल्ली में सोनिया और शरद पवार की 14-15 जनवरी को मुलाकात। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 6 लोकसभा सीट देने को तैयार आम आदमी पार्टी, दिल्ली में 3 सीट देने का रखा प्रस्ताव, सीट बंटवारे पर 14 और 15 जनवरी को होगी बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी हलचल, पटना में नीतीश कुमार से सीपीआई के महासचिव डी राजा की करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात। सीटों के बंटवारे में देरी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले एक और बीजेपी तय कर रही है उम्मीदवार, अभी हम कर रहे हैं सीट बंटवारे पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से की बात, कहा गांव गांव पहुंच रही गारंटी की गाड़ी को दुनिया भर में है चर्चा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल, कहा चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल, पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर। ईडी के अधिकारियों पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा कानून व्यवस्था पर किया जा रहा गुमराह, आप मुझे गाली दे सकते हैं बंगाल को नहीं। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले जुड़ी अर्जी की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, बीजेपी ने हमले की एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी पर हमले को बताया संगीन, कहा जिन्होंने कानून तोड़ा उस पर होगी सख्त कार्रवाई। मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए अपने दफ्तर पर अनहोनी की जताई आशंका। मायावती के आरोपों पर अखिलेश का तंज, कहा अब हमने कुछ लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को पढ़ना कर दिया है बंद। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुजरात सरकार के फैसले को पलटा, 2 हफ्ते में सभी दोषियों को करना होगा सरेंडर। बिल्किस बानो केस में राहुल गांधी ने अपराधियों के संरक्षक पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अजदुद्दीन ओवैसी ने किया स्वागत, कहा सरकार ने बलात्कारियों की मदद की, माफी मांगे सरकार। राजस्थान के करणपुर विधानसभा उपचुनाव में हारे बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह जीते, जरम रमेश बोले बीजेपी का टूटा घमंड। गुजरात सरकार की शानदार पहल, जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 32 कैदियों को किया रिहा। झारखंड के रामगढ़ में मना शहादत दिवस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को दी श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर मणिपुर के दौरे पर केसी वेणुगोपाल बोले युवाओं महिलाओं गरीबों और किसानों को मिले न्याय। जलपाईगुड़ी के लोगों ने मनाया बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत का जश्न, भारत बांग्लादेश की दोस्ती और मोदी जिंदाबाद के भी लगे नारे। चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का हुआ आयोजन, सीएम स्टालिन ने उद्योगपतियों को किया संबोधित। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों का सीएम भूपेन्द्र पटेल ने लिया जायजा, गृहमंत्री हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा, इस दौरान बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम को किया संबोधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कैडेट्स के साथ की मार्च पास्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता की, इस दौरान औषधि और कृषि से जुड़े मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एनसीसी की महिला शक्ति का अवैध सफर साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, एनसीसी के 75 साल के मौके पर हुआ आयोजन। फतेहपुर शेखावटी में खाद्य सुरक्षा कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समर्थन में लगाए नारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में हिस्सा लिया, सीएम धामी ने पारंपरिक रस्में भी निभाई।
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने गोल्डन टेंपल में टेका माथा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद।